केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लखनऊ को भी शामिल किया गया है। आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए दूसरे चरण में 13 शहरों के नाम का ऐलान किया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की दूसरी लिस्ट में लखनऊ का भी नाम है। दूसरी लिस्ट में शामिल शहरों का चयन फास्ट ट्रैक कॉम्पिटिशन के जरिए किया गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत पहले चरण की सूची में यूपी समेत दूसरे कई राज्यों के एक भी शहर स्थान नहीं पाए थे। राज्य सरकारों की आपत्ति के बाद केंद्र ने सभी प्रदेशों से एक एक शहर को फास्ट ट्रैक मोड में डालकर स्मार्ट सिटी के लिए प्रस्ताव मांगा था। Exercise has taken place. As I told you, a competitive spirit has come, and then every city is now competing with other. Earlier it was, we are entitled, we must get this and all. Now it is empowerment because of the enablement made by those cities. The 13 cities are, the 13 winners of fast track competition are Lucknow, Uttar Pradesh, which has improved the quality of its smart city plan by 19%. और अब आपको बताते हैं कि दूसरी लिस्ट में कौन कौन से शहर शामिल हैं। दूसरी लिस्ट में सबसे पहला नाम यूपी की राजधानी लखनऊ का है, फिर तेलंगाना का शहर वारंगल, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को भी दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया है, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, पश्चिम बंगाल का न्यू टाउन कोलकाता, बिहार से भागलपुर को लिस्ट में शामिल किया गया है, गोवा से पणजी पोर्ट ब्लेयर, मणिपुर से इम्फाल, झारखंड की राजधानी रांची, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और हरियाणा से शहर फरीदाबाद को दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया है। अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता। अमिता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई दिन से सोशल साइट्स पर लखनऊ की कई रंग बिरंगी तस्वीरें और ग्रीनरी वगैरह फोटो खूब वायरल हो रही हैं। अब स्मार्ट सिटी को लेकर के कैसा दिखेगा लखनऊ और कितना शहरवासी तैयार हैं, क्योंकि ये जो एक स्वस्थ या जो फर्स्ट हैंड कॉम्पिटिशन था उसमें तो लखनऊ अपनी जगह नहीं बना पाया था। शिखर, लखनऊ पहली लिस्ट में ही रहेगा इस तरह की उम्मीद बहुत पहले से लोग लगा रहे थे। अधिकारी भी यहाँ के ये मनकर चल रहे थे कि लखनऊ को शायद पहली लिस्ट में रखा जाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए ये कह सकते हैं। और दूसरी लिस्ट में जिस तरह से लखनऊ का नाम आया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, हालांकि बहुत कुछ हम विकास यहाँ की सड़कों पर देखते हैं, पुराने लखनऊ और नए लखनऊ में बहुत अंतर हमें नजर आता है, लेकिन अब स्मार्ट सिटी के तौर पर इसे डेवलप किया जाएगा और इस योजना में शामिल किया गया है, तो यकीनन लखनऊ के लोगों में तो खुशी है ही, क्योंकि बहुत पहले से लोग ये चाह रहे थे, पहली लिस्ट में उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ठीक है, अगर दूसरी लिस्ट में भी अब नाम आ गया है तो मान सकते हैं कि अब लखनऊ को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और जिस तरह से छोटी छोटी समस्याओं से लखनऊ के लोग दोचार होते हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि पानी की समस्या हो या गंदगी हो, तमाम तरह के अभियान तो चलाए जाते रहे शेखर, लेकिन उस तरह का असर हमें नहीं दिखता है। और जिस तरह से कई सरकारों में तमाम पार्क भी बने, उसके बाद ये कह सकते हैं कि डेवलप तो हुआ है शहर, जो लोग अब लखनऊ आते हैं उन्हें कुछ नया सा दिखता है, लेकिन अब स्मार्ट शहर में इसको ले लिया गया है तो केंद्र सरकार की तरफ से भी जो पहल की जाएगी, जिस तरह से इसको डेवलप किया जाएगा, उसका इंतजार सभी को है। शुक्रिया।